फिरोजाबाद उद्यान परिसर सिविल लाइन दरबई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल घटक योजना अंतर्गत 2 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव, किसान मेला, जनपद स्तरीय रोड शो तथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेले का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक विधानसभा टूंडला श्री प्रेमपाल सिंह धनगर, अपर जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर भूमि संरक्षण अधिकारी प्रथम रामदास मौर्य एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों तथा जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आए प्रगतिशील कृषकों द्वारा जनपद स्तरीय रोड शो एवं जनपद स्तरीय किसान मेले में प्रतिभाग किया। माननीय विधायक विधानसभा टूंडला मुख्य विकास अधिकारी महोदय एवं अपर जिलाधिकारी महोदय ने मिलेट्स रोड शो को हरी झंडी दिखाकर गाड़ियां रवाना की। मैंने यहाँ का इसका जो उद्देश्य है कि हम लोग आधुनिक तरीके से मशीनरी का प्रयोग करते हुए अपने खेती जो हम लोग कर रहे हैं, अपनी परंपरागत खेती है या फिर नई आधुनिक टेक्नोलॉजी जो प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पे हमको क्या नया चेंजमेंट लेके आना, क्या बदलाव चाहिए। नरेंद्र शाह, नरेंद्र दास, चकैया, बलवंत बोल्ड, सेंट फ्रांसिस वैरायटी आपके बड़ा अच्छा फायदा होता है। 2 से 2.5 क्विंटल पैदावार एक पौधा दे देता है। आज ये 2 दिवसीय विराट किसान मेला जो मिलेट्स के ऊपर था, इसका आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में जनपद फिरोजाबाद के हर एक विकास खंड से किसानों ने प्रतिभाग किया, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया है, और इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे बहुत सारे प्रगतिशील कृषक जो प्राकृतिक खेती से संबंधित थे वो सारे यहाँ पर उपस्थित थे, और उसके विषय में किसानों को जानकारी दी गई है। और इसमें हमारे जो फार्म मशीनरी बैंक है, उस योजना के हमारे जो लाभार्थी थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर लगभग जो है 40 स्टॉल लगभग लगाए हुए हैं, जिसमें किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस विषय में इसका आयोजन किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।